मेरे को रोने का मन करता है मैं बारिश में निकल जाता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू को न देख पाए क्योंकि इस जमाने में मेरे सिर्फ हंसने हंसाने की कीमत है या मेरे रोने की कोई कीमत नहीं लोगों को हमारे सपने समझ नहीं आते उनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं बोले जा रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटल वो होता है कि की एक तरह से वायर्ड हो रखे हैं हम लोग तो कुछ अलग देखते तो वो लोगों को समझ नहीं आता है वो लूडो खेलते थे ना उदाहरण देता हूँ उसके किनारे लिखा रहता था वो बाद में समझ आया पहले नहीं आता था कि जब आप ऐसे ऊपर जाते हो 99 पे वो सांप खा लेता है और वो नीचे कहीं आठ या नौ पे ले आता है फिर वापस खेलते हो वो एक सीढ़ी आती है आपको बीच में कहीं ले आती है तो उसके बोर्ड के चारों तरफ लिखा रहता था रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी शान ओ अम्मा मन मचला जाए रे ओ अम्मा मेरा गाँव बुलाए रे मन मचला जाए मचला जाए गाँव बुलाए रे वो गलियां बुलाए, बुलाए, बुलाए तो मैं मानता हूं कि आ, हम किसी भी स्टेज में अपनी लाइफ के हर इंसान को शहर को या पहाड़ हो एक आवाज़ की जरूरत होती है और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो देहरादून के नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की आवाज हैं हाँ। और आ, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये ओहो रेडियो के ओनर हैं खुद को उत्तर का पुत्र कहते हैं और आप सब इनको जानते ही होंगे प्लीज वेलकम आर जे काव्या थैंक <laughs> यू यार मैं खाली मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे को <laughs> बात तब होती है जब लोग आपको कहें <laughs> बिल्कुल आई थिंक जब उत्तर का पुत्र भी शुरू हुआ था यूट्यूब चैनल था <laughs> वो नाम ही इसलिए था कि जो भी यहाँ के पुत्र हैं और पुत्रियाँ हैं वो सबको हम फीचर करें हाँ तो धीरे हाँ धीरे फिर वो लोगों ने मेरे नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया कि हाँ उत्तर का पुत्र <laughs> मैं आपके काम से बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि ओहर रेडियो में मैं देखता हूँ कि कुछ सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप देहरादून से या उत्तराखंड के कुछ लोगों को बुलाते हैं जो, जो लोग अपनी स्टोरीज बता सके हम उनसे इंस्पायर हो सके और जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो मेरा भी यही एम था कि मैं देहरादून से कमाल कमाल के लोग चुन चुन के लेके आऊँ उनकी कहानियाँ बताऊँ ताकि लोग इंस्पायर हो सकें तो और मेरा एक ये था कि लोग कहते हैं कि बड़े सपने बड़े शहरों में पूरे होते हैं लेकिन मैम पहले मैं भी यही मानता था लेकिन अब मुझे लगता है कि हम छोटे शहर में रह के भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं बस सपनों में दम होना चाहिए खुद पे बिलीव होना चाहिए तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका देहरादून से और उत्तराखंड से क्या रिश्ता है और क्या आप मानते हो कि बड़े सपने बड़े शहरों में पूरे होते हैं यार रिश्ता तो वही है पैदाइश यहीं की है उत्तराखंड की मिट्टी है ज़मीन है मेरी जड़ है मेरी तो ये एक रिश्ता है और बड़े शहरों में पहले होते होंगे क्योंकि छोटी जगहों पे शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी लेकिन मैं ये कहता हूँ मैं पाँच बरस पहले जब देहरादून आया उससे पहले क्योंकि दस साल करीब मैंने बाहर रेडियो के अगर आपको ध्यान हो तो दिल्ली हो गया कानपुर हो गया जयपुर कलकत्ता जोधपुर इन शहरों में और बॉम्बे के लिए भी मैं एक शो भेजता था रिकॉर्डेड तो जब 2018 में मैं यहाँ आया तो एक आप ही की तरह एक टीवी चैनल पे कुछ इंटरव्यू हो रहा था मेरा तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इसी तरह का कुछ था सवाल मैंने उनसे ये कहा था कि आज डिजिटल के ज़माने में कोई शहर छोटा या बड़ा नहीं रह गया है आ, ये ज़रूर हो सकता है कि आबादी के लिहाज से आप उसको छोटा कह सकते हैं लेकिन बड़े बड़े काम छोटे छोटे शहरों से ही हो रहे हैं उल्टा बड़े शहरों में एक जैसा काम हो रहा है मैं हमेशा ही मानता हूँ कि छोटे शहरों की एक खूबसूरती है आप यहाँ नीचे निकल जाइए तो आपको मौसम के हिसाब से सब्जियाँ और फल मिल जाएंगे और फूल मिल जाएंगे आप दिल्ली बम्बई नोएडा का हिस्सा होइए आपको ये पता ही नहीं चलता है कि कौन से मौसम में कौन सी सब्जी उगती है <laughs> क्योंकि बारह महीने वहाँ मटर आप वैसे सर्दियों में खाएंगे और जून में भी खिला देंगे आपको तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि मौसम किस चीज़ का है और ये एक खूबसूरती छोटे शहरों की है यहाँ पे त्यौहार हो यहाँ पे लोगों का एक दूसरे से मिलना हो यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे मैंने फल फूल सब्जियों की ही बात करी आप एफआरआई में रहते हैं हर मौसम के हिसाब से वहाँ अलग जो है वो पेड़ पे फूल आते हैं वहाँ और कई चीजें उगती हैं तो अः कोई भी शहर छोटा बड़ा नहीं रह गया है आपकी सोच छोटी बड़ी हो सकती है अच्छा काम करिए छोटे शहरों में उल्टा बड़े फायदे हैं कोई आपको परेशान नहीं करता तंग नहीं करता डिस्टर्बेंस नहीं होती आपके पास खुद के लिए और आपके काम के लिए बहुत सारा समय होता है तो उस लिहाज से तो छोटे शहर ज़्यादा अच्छे हैं बिल्कुल <laughs> आप मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ आप अपने ओह रेडियो में बुला के सबकी स्टोरीज जानते हैं मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि कविंदर सिंह मेहता से आर जे काव्या का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा है क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और क्या एडवाइस आपको मिली है इस जर्नी में जो आप अभी तक याद करते हैं यार Advice तो एक दिन नहीं व्यक्ति से मैं ये पूछूँ और इसको अपनी लाइफ में उतारूँ जब मैं बातें करता हूँ बहुत लोगों को लगता है मैं बहुत पढ़ता हूँ मेरे को इतनी किताबें लोग गिफ्ट कर देते हैं मेरे ऑफिस में इतनी किताबें हो गई हैं मैं दो चार पन्ने पढ़ के मोटा मोटा पढ़ लेता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ मैं किताबों से दोस्ती हो नहीं पाई शुरुआत से ही और वही वजह थी मैं बागेश्वर से जब निकला एलिन्थ में फ़ेल हो गया था तो घर वालों ने दिल्ली भेज दिया और वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया क्योंकि उसी दौरान दिल्ली में नए नए प्राइवेट एफ आए थे दो हज़ार की बात है तो वहाँ से थोड़ा सा लगा कि यार ये शायद इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ जब धीरे धीरे बढ़ते चले गए दूसरे शहरों का हिस्सा होते होते यहाँ तक आ गए तो एक चीज़ ये लगी मतलब आधे रास्ते में रियलाइज हो गया था मुझे क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि जब कोई रेडियो करता है तो उसको लगता है कि इसके बाद क्या है फिल्मों में जाएंगे ऐसा लगता है लोगों को और बहुत लोग कोशिश भी करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि 90 परसेंट से ज़्यादा आर को ये है कि दो चार साल रेडियो जॉकी करने के बाद यार हम पिक्चर में हीरो बन जाए पर मेरे दिमाग में कभी नहीं आया मुझे एक दो दफ़ा कुछ शोज इस तरह के टेलीविजन के ऑफर हुए आ, मैं नहीं गया मुझे बम्बई ऑफर हुआ मैं गया ऑडिशन दिया वापस आ गया मैं हो गया था सलेक्ट मैंने मना कर दिया मेरे को बम्बई की भीड़ समझ में नहीं आई दो हज़ार की बात है मैं वापस आ गया तो बाद में कई बार मेरे सीनियर्स कहते थे कि ऐसा पागल आदमी इसको बम्बई ऑफर हो गया ऑडिशन क्लियर हो गया और उसके बाद भी पर वो शायद कई बार मुझे ये लगता है ना कि ऊपर वाला आपको कुछ चीज़ों के लिए भेजता है कुछ कामों के लिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो जो मैं सोच रहा हूँ जिस डायरेक्शन में ना अभी तक पिछले साढ़े चौदह साल मेरे को रेडियो में हो चुके हैं मैं तकरीबन उन्नीस साल का रहा हूँ उन्नीस साढ़े उन्नीस का जब मैं पहली बार रेडियो पे बोला था तो तब से लेके आज तक जो जो मैंने सोचा है ना वो ऑलमोस्ट हो गया है तो मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाला कुछ तो ऐसा चाह रहा है मेरे से तो मेरे को आधी जर्नी में अपने जब मेरे को पाँच एक साल रेडियो में हो गए थे मुझे समझ में आ गया था कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है जैसे आपने वो रेडियो की भी बात करी बिल्कुल हम हमारे जो शोज़ हैं Uh, वो उत्तराखंड सेंट्रिक होते हैं हमने एक जय हिंद करके आमी के ऊपर शो किया हमने एक स्टैंड अप उत्तराखंड करके हमने ऑन्टरप्रीनियोरशिप के ऊपर किया अभी हमारी हिल यात्रा चल रही है सीजन टू इसका uh, टैगलाइन है राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण कि कैसे हम नेशन बिल्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने राज्य को बना के तो हम स्टूडेंट्स के साथ में बात करते हैं तो एक हमारा गाता रहे मेरा हिल करके आता है उसमें हम म्यूजिक के ऊपर यहाँ के फोक के ऊपर बात करते हैं तो ये सारे शोज को अगर आप देखेंगे या सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये टिपिकल जो बॉलीवुड रेडियो स्टेशन है मैं उनको बॉलीवुड रेडियो स्टेशन ही कहता हूं क्योंकि नाइनटी रेडियो स्टेशन इंडिया में बॉलीवुड रेडियो स्टेशन बिल्कुण। है वो डिपेंडेंट है कि बॉलीवुड में कौन सी पिक्चर आएगी और कौन सा गाना आएगा उस पर उनके पास अपना खुद का अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ है नहीं हम बॉलीवुड की तरफ देखते भी नहीं तो, हैं हम हंड्रेड परसेंट इंडिपेंडेंट म्यूजिक चलाते हैं पहाड़ का म्यूज़िक चलाते हैं हिंदी पंजाबी म्यूजिक भी चलाते हैं लेकिन हम ये सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को कैसे वो किया जाए और कैसे जगह दी जाए और उसी तरह का हमारा कॉन्टेंट होता है तो जर्नी यार कुछ इसी तरह की है कि आ, छोटी सी उम्र में मैं कहूँगा ज्यादा सीरियस हो गया मैं लाइफ <laughs> में कॉलेज कभी गया नहीं अब कॉलेजेस में जाते हैं कई बार मस्ती वस्ती कराते हैं लोग कहते हैं अब तो कॉलेज में बड़ा चिल करते हो मैंने कहा मैं कॉलेज ही नहीं गया चिल कहाँ से करता मैं ट्वेल्थ के बाद रेडियो में आ गया तो बहुत जल्दी मच्योर हो गया मेरे को ऐसा लगता है उस चीज़ ने कुछ कुछ चीज़ें छीन भी ली वो जो चिल वाला या कुछ एंगल होते हैं लाइफ में जो मिस हो गए क्योंकि आप शुरुआत से ही बड़े सीरियस हो गए लाइफ में तो वैसा करके लेकिन जर्नी अभी तो सफर में है Uh, अगर तुम यही सवाल बीस तीस साल बाद पूछोगे तब शायद मैं इसका बेहतर यू नो आंसर कर पाऊंगा अभी के लिए तो इतना ही है <laughs> मैं आपकी उस बात से बहुत रिलेट करता हूँ मैं भी मुंबई गया था बाकी भीड़ भाड़ मुझे भी समझ नहीं आई अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटीज मिली बट कोविड के बाद जब मैं देहरादून आया तो मैं जब यहाँ काम करना शुरू किया तो मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे यहीं रहना है और जैसा कि आपने कहा कि काम बनते चले जाते हैं मेरे साथ भी वैसा ही होता गया तो मेरे को भी वही लगता है कि कुछ है जो चाह रहा है कि मैं यहाँ रुकू और यहाँ काम करूँ तो आपको वो जो एनर्जी है एक स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है कि वो जो जिसे हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते पर फिर भी वो हमें एक साइन दे रहा है गाइडेंस दे रहा है आप उस चीज़ को फील करते हैं मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं ये कहूँगा जब हम सिर्फ स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल मतलब एक घंटे मंदिर में सुबह बैठो आ, एक घंटे शाम को मेरा भगवान से ना दोस्ती का रिश्ता है मैं सामने जब अपने फ्लैट से निकलता हूँ

और जब जब मैं किसी मंदिर में जाता हूँ या भगवान से जब मैं पूजा भी करता हूँ मैं तीन चीज़ें मांगता हूँ ये मैंने पता नहीं मुझे इससे पहले कभी कहीं है कि नहीं कहीं कहीं लेकिन आ, मैं एक ये कहता हूँ कि भगवान रक्षा करना दूसरा सद्बुद्धि देना और तीसरा जीवन में आगे बढ़ाना वैसे तीन चीज़ें मांगता हूँ तो मैंने इसके अलावा कभी कुछ नहीं मांगा किसी मंदिर में कहीं पर कुछ उस तरह से नहीं बोला कभी घर पर और मेरे लिए जो स्पिरिचुअल होने वाली चीज़ है वो यही है कि एक रक्षा करना जीवित रहेंगे जैसे लोग कहते हैं ना कि रक्षा किसी भी सेंस में हो सकती है कई बार नेगेटिव एनर्जीज होती हैं करेक्ट उससे भी बचा हाँ। लेना फाइनेंशियल हो हाँ। सकता है या आप ट्रैवल कर रहे हो हम इतना ट्रैवल करते हैं इतनी लैंडस्लाइड हो जाती है पहाड़ों में आप क्रू के साथ जा रहे हो दस पंद्रह लोग हैं कुछ भी हो सकता है तो रक्षा उस सेंस में हो गई या बुरी चीजों से आदतों से बचा लेना सदबुद्धि भी उसी का एक वो है कि अच्छी बुद्धि देना विवेक देना कि अच्छे काम कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ाना बस मैं ये कहता हूँ तीन चीजें तो वो चीजें मैं जब बोलता हूँ तो मैं महसूस कर पाता हूँ मैं सुबह कुछ नहीं ऑफिस में जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस से पीछे डोर वगैरह खुलता है तो धूप आती है अंदर हमारे मैं जस्ट एक बार ऐसे लिटरली वो जैसे नेता करते हैं ना वैसे मैं भगवान को ऊपर सूर्य भगवान को ऐसे कर लेता हूँ बस हो गया मेरे को लगता है अब दिन ठीक हो जाए तो मेरा ये है एक्चुअली hmm. और उसी में मेरे चौबीस घंटे निकल जाते हैं इतना सा करने में और मैं सोचता हूँ जो एक एक घंटे बैठते हैं यार इनके हाँ। साथ तो कितना अच्छा या कितना <laughs> क्या हो जाता होगा पता नहीं बट हाँ। अगर एक मिनट में इतना अच्छा हो सकता है और तो। कुछ लोग वो इंटेंशन लेके बैठते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और हाँ। फिर नहीं होता तो दुखी हो जाता वो इंटेंशन भी गलत होता है लोगों का प्रे करने का भी मैं एक चीज और इसमें ये सोचता हूँ ना कि हर व्यक्ति भगवान के पास मांगने ही जा रहा है बिल्कुल और हर कोई ना एक ज्यादातर लोग एक ही जैसी चीजें मांग रहे हैं एक ही जैसी चीजें मतलब कि खूब सारे पैसे खूब सारे गाड़ी खूब सारे बंगले मैं एक चीज सोचता हूँ कई बार मान लो मैं दस गाड़ियां मांग लू अरे खड़ी काम करूंगा बिल्कुल <laughs> <laughs> सही बात है बिल्कुल सही बात है। मतलब कम्यूटिंग के लिए तो एक ही बहुत है ना वो अच्छी वाली मांग लो चलो एक मांग लो जी अब तुमने दस दस गाड़ियां जगह ही नहीं है गली में लोग गालियां बकरे क्या फायदा पैसे इतने हो गए आप ईमानदारी से मारो फिर भी आदमी कह रहा है पता नहीं कहाँ से ला रहा है मतलब है। एवरी टाइम आप सुन ही रहे हो उन चीजों के लिए तो बेटर है ना उतना ही वो जिसमें सुनना भी ना पड़े बिल्कुल मैंने एक चीज देखी है कि जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कोई सपना देखते हैं जी तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों की बातें सुननी पड़ती है क्योंकि लोगों को हमारे सपने समझ नहीं आते हैं mm. उनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं बोले जा रहे क्योंकि वो वो सोसाइटल होता है कि एक तरह से वायर्ड हो रखे हैं हम लोग mm. तो कुछ अलग देखते हैं तो वो लोगों को समझ नहीं आता है mm. तो शुरू में मुझे लगता है कि हमें अपने सपने को किसी तरह से बचा के रखना चाहिए क्योंकि mm. वो एक वनरेबल प्लेस से अगर हम निकल गए तो फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं आप किस तरह से आपने उन कमेंट्स को झेला जो आपके इर्द गिर्द होते थे अमशोर आपने झेला होगा कि क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो और यार मुझे हाँ जैसे देहरादून भी ठीक है हाँ। वैसे तो छोटा ही शहर है हाँ, हाँ। मैं जहाँ से आता हूँ बागेश्वर जहाँ पैदाइश हुई और दसवीं तक पढ़ा ग्यारहवीं इनफैक्ट तो उन शहरों में जिस फील्ड आज में आज मैं हूँ इनके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं होता था मुझे ध्यान है में 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 जब मैं दिल्ली में, 6 में में मेरा 12th हुआ हुँ। हुँ। और मैंने जब बोला कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है तो मेरे घर वालों को समझ ही नहीं आया ये बोल क्या रहा है उनको लगा कुछ रेडियो ठीक करने वाली बात कह रहा है कि रेडियो ठीक करूंगा टाइप्स इनफैक्ट जब मैं 2018 में यहाँ देहरादून आया जब पुराने चैनल में थे और जब वीडियोस वगैरह लोग देखने लगे कई लोगों को लगा कि वो जो हम वीडियो में बोलते हैं वो रेडियो होता है पहाड़ में क्योंकि दो तक भी नहीं पता था 2021 में जब हमने ओवर रेडियो शुरू किया लोगों ने ऐप डाउनलोड करी उनने सुनना तो उनको पता चला मतलब एक तो वो जनरेशन थी जिनने 20 साल पहले आकाशवाणी सुना था लेकिन जो आज की जनरेशन है हमें से किसी ने भी आकाशवाणी या हमारे बाद वालों ने उस तरह से नहीं सुना है तो उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली होता क्या है रेडियो तो जब वो रेडियो उस तरह से सुनने लगे उनको अच्छा ट्वेंटी फोर आवर लाइफ चलता है ऐसा होता है ऐसा होता है तो उनको समझ में आए तो आप सोचिए कि जब एक बागेश्वर में लड़का दो तो हजार दो तो तीन में आज से बीस साल पहले वह किसको पता होगा रेडियो या इस तरह से ये बहुत होता था मैं आ, अभी जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जनवरी के महीने में तो उत्तरायणी का भी मकर संक्रांत का टाइम आता है तो बागेश्वर में बहुत बड़ा मेला होता है, है। वो करीब सौ साल से पुराना मेला है तो हम लोग रात को ना क्योंकि घर से अलाउड नहीं था ठंड के दिन थे तो मैं दादाजी के रूम में सोता था और बाकी लोग उधर छोटे भाई बहन और मॉम डैड दूसरी तरफ तो मैं दादाजी और मेरे साथी होते थे तो मैं दादाजी को बोल के कि मैं देखने जा रहा हूँ रात को चुपचाप से कुंडा खोल के और एक किलोमीटर पैदल जाके हम सारे दोस्त प्लानिंग करके छोटे छोटे होते थे तो ऐसे मेला देखने रात को वहाँ फंक्शन होते थे कल्चरल प्रोग्राम जब मैं उनको देखता था ना तो ऐसे मन में आता था यार कभी मतलब स्टेज पे जाएंगे ऐसे exactly पता नहीं होता था मेरे को वाकई में रात को सपने आते थे कई बार सपने से आँख खुलती थी सुबह और मैं हाथ में ना माइक लेके खड़ा हूँ ऐसा लिटरली आता हाँ। था।, था और मैं अपने स्कूल की जो मेरी नोटबुक होती थी लोग तो उसमें होमवर्क करते थे मैं पीछे से आगे की तरफ ना ऑटोग्राफ देता था खुद ही को और प्रैक्टिस कर रहा होता था कि कभी कोई अगर लाइफ में लेगा तो मैं कैसे दूंगा और तब मेरे को वाकई में किसको पता होता है यार स्कूल हाँ। में क्यों ऑटोग्राफ दे रहे हैं हाँ। लेकिन ऐसा लगता था शायद कभी कोई लेगा और लेगा हाँ। तो ना ऐसे बढ़िया सा दूंगा मैं हर साल में चेंज करता रहता था, था उसको और हाँ। ये जो उसके बाद जब मेरी पहली नौकरी लगी जोधपुर में 2008 की बात है मैं कॉलेज में गया तो उन दिनों सोशल मीडिया वगैरह तो होते नहीं थे और का जमाना था लेकिन उसमें लिमिटेशन वगैरह होती थी मतलब वो आई थिंक हजार लोगों को जोड़ते थे या ऐसा कुछ था तो मैं कॉलेज में गया तो एक कॉलेज में शो था हमारा अब वहाँ बड़ा अच्छा शो हो गया तो सारे लड़के लड़कियाँ खुश हो गए तो उस जमाने में लोग सेल्फी वेल्फी का कुछ होता नहीं था ऑटोग्राफी लेते थे तो बहुत सारे बच्चे आ गए उन्होंने कहा सर ऑटोग्राफी हो ठीक हो मैंने दे दिया तो देने के बाद जब मैं रेडियो स्टेशन आया हूँ मैं रेडियो पे बोल रहा था कि आज फला कॉलेज में गए और इतना मज़ा आया मैंने बड़े सारे ऑटोग्राफ और जब मैं वो बोल रहा था ना बोलते बोलते मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटा तुम वो जो स्कूल में ऑटोग्राफ दे रहे थे ना वो एक्चुअली आज के दिन के लिए था और ये चीज़ें जब मैं इस तरह से बताता हूँ हो सकता है कई लोग सोचें कि यारे ऐसे ही बोल रहा है लेकिन ये वाकई में हुई हैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जो आपके दिमाग में आ रहा है कई बार आप उसको बहुत सीरियसली लेते हो कई बार उसको कहते हो ये एम ही है तो आप सीरियसली नहीं लेते जब आप नहीं लेते तो वो भी एक टाइम बाद आपसे ना किनारा कर लेती है वो चीज़ मैंने शायद उसको सीरियसली लिया मैंने सालों साल वो करता रहा तो शायद ऊपर वाले को भी लगा यार इसको तो ऑटोग्राफी देना है तो ये बड़ी शिद्दत से ऑटोग्राफ के चक्कर में लगा हुआ तो जो आप कह रहे हैं कि उन सपनों को बचा के रखना पागल कहते झूठ बोल रहा है यार पागल हो गया लेकिन वो जब मैं रेडियो में आ गया वो सारी चीजें हो गई और वो सपना भी जो मैं कह रहा हूँ स्टेज वाला ये दो में पूरा हुआ मैं बागेश्वर उसी मेले में अभी मैं फिर जा रहा हूँ सोलह तारीख को उसी मेले में मुझे एज ए गेस्ट बुलाया गया और जब मैं स्टेज पर खड़ा था मैंने वहां से वो बात बोली कि मुझे 12 साल लग गए इस मंच में, आने में क्योंकि 12 साल मेरे को रेडियो में हो गए थे और और मैं उससे पहले कित्ते साल पहले कितने साल वो सपना देखता था कि कभी ऐसा और आज मैं उसी स्टेज पे खड़ा हूँ वो चीज भी हो गई तो इसलिए जो बचा के रख बचा के भी रखना है लेकिन खुद को रोज याद भी दिलाना है अगर कोई सपना या कुछ ऐसा आ रहा है ना उसको और बड़ा बनाते चलो यू नेवर नो कि वो कहाँ बिल्कुल आपने दो बातें कही कि एक ऑटोग्राफ वाली बात और एक स्टेज वाली बात उनमें से कोई उनमें से कौन सी वो दिन था जब आपको लगा कि हाँ मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जो मैंने सपने देखे थे जो मैंने मेहनत करी है वो आज पूरी हुई है या कोई और मोमेंट रहा हो आपकी लाइफ में अगर तो। यार वो एक्चुअली जब छोटे थे तब तो वही था खाली स्टेज तक पहुँचने हाँ हाँ। का था एग्जैक्टली exactly, पता ही नहीं था किस लिए पहुँचना है तो जब वो स्टेज पे तो मैं मेरे को ध्यान है कैलाश खेर का शो होस्ट कर रहा था मैं कानपुर में और करीब पच्चीस हज़ार की गैदरिंग थी उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ और वो जिन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ाया था नरेश पांडे उनका नाम है अभी इतफाक की बात है चार दिन पहले ही वो आजकल इंदौर में है वो एक प्रिंट ग्रुप के साथ वो यहीं के रहने वाले हैं दर्द उनके ही बीस पच्चीस साल उनको हो गए हैं न्यूज़ में वो चार दिन पहले आए थे उस दिन भी हम ये बात जिक्र कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कैलाश खेर के लिए वहाँ दो ताली पड़ रही थी तो इसके लिए पाँच पड़ रही थी तब भी वो अपनी वाइफ को कह रहे थे हमारे ऑफिस में आके चार दिन पहले तो आई थिंक उस दिन मुझे ऐसा लगा था पच्चीस हजार लोग मतलब सिर्फ सरी सर दिखाई दे रहे हैं और मैं कुछ बोल रहा था और लोग साथ में हुटिंग कर रहे थे कानपुर में तो आई थिंक उस दिन मुझे थोड़ा सा लगा था कि शायद ये वो वाला स्टेज वाला तो ये हो गया तो <laughs> लेकिन फिर ये होता है जब आप एक बार उसको पा लेते हैं फिर कुछ और सपने देखते हैं अभी और हैं थोड़े और सपने अब वो देख रहा हूँ मैं मन ही मन में चल रहे हैं कुछ लोग मेरे आसपास के मेरे को भरते रहते हैं नेता बनेगा एक दिन ऐसे करते रहते हैं कुछ कुछ कि वो पता नहीं अब उनको हाँ। क्यों लगता है या कैसे करके हालांकि जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो कई बार कहते हैं कि इसका वो थोड़ा सोशली थोड़ा इंक्लाइंड है तो उस वजह से मेरी बातों से या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं उस तरफ जाऊँगा पता नहीं एग्जैक्टली पॉलिटिक्स या उसका मतलब ये नहीं होता खाली इलेक्शन लड़ना उसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं आप बिना इलेक्शन लड़े भी राजनीति का हिस्सा होते हो कई बार या सोशल uh, जो एक uh, पूरा वो है उसका मूवमेंट उनके हिस्से हो जाते हो तो कुछ और बड़े मंच देखने पच्चीस हजार से ढाई लाख पच्चीस लाख लोगों की भीड़ देखनी है अब वो कैसे होगा <laughs> आने जैसे अभी तो हुआ है, है? देखो मैं आपसे आपको वर्क एथिक जानना चाहता हूँ जैसे आपने कहा कि आपके सपने अभी भी और भी हैं तो आपका क्या आप कैसे चलते हो इन सब चीजों को लेके कि आप बहुत इन चीज़ों को चेज़ करते हो सपनों को या स्टेप बाय स्टेप चलते हो स्थिरता के साथ नहीं यार मतलब मैं बहुत ज़्यादा चेस वाला तो नहीं हूँ मेरे को काम करना बहुत ही अच्छा लगता है उस चक्कर में हालांकि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि जब लोग मुझे रेडियो पे सुनते हैं और मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं उनके हिसाब से मैं दुनिया का सबसे नेक इंसान हूँ अच्छा बहुत ही अच्छा हो मेरी लाइफ बहुत शॉर्टेड है लेकिन उसका एक दूसरा पहलू यह है सबसे ज़्यादा परेशान मेरे घर वाले हैं okay. मेरे माँ बाप हैं मेरी वाइफ है मेरे भाई बहन हैं hmm. मैं आपको दो तीन बड़े छोटे उदाहरण देता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं बात क्यों कह रहा हूँ अभी करीब दो तीन महीने पहले की बात है बागेश्वर में एक जगह है कपकोट वहाँ से पच्चीस किलोमीटर आगे हमारे घर से ट्वेंटी फाइव किलोमीटर आगे मैं वहाँ गया एक प्रोग्राम में वापस आना था लेट हो गया तो मैं घर आए मेरे मम्मी पापा वेट कर रहे थे वो लोग वहीं रहते हैं तो मैंने कहा पिताजी गुस्सा करेंगे मैं आगे वाले दरवाजे से घुसा वो आए कब तक है यहाँ मैंने कहा बस हूँ एक सेकंड में टॉयलेट करके आता हूँ मैं अंदर गया और दूसरे वाले रास्ते से मैं निकल गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बाहर लोग वेट कर रहे थे मेरे ऑफिस के लोग मेरे अंदर एक आदत है मैं खुद गाली खा लेता हूँ या खुद की बुरा बन जाता हूँ लेकिन मैं कभी किसी को उस तरह से हार्म नहीं करना चाहता है मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो कोई ये कहे कि ठीक है यार ये आज कंपनी का सीईओ है फाउंडर है तो ये तो अपनी चला रहा है मैं ये नहीं सुनना चाहता कभी किसी देखो, से देखो। उस वजह से मैं निकल गया तो मेरे पिताजी फोन करके बाद में कह रहे यार ये कैसा आदमी है तो फिर अभी जब हेली यात्रा में मैं में, मेरे फादर का स्कूल है हम वहाँ भी गए तो मैंने उनको बोला मैंने कहा सॉरी उस दिन वो ऐसे ऐसे हो गया था मैंने सबके सामने थोड़ा हंसी मजाक में बोल दिया तो वो बात निकल गई दूसरा मेरे पिताजी जब मेरी शादी हुई दो चार साल पहले की बात है तो मेरी वाइफ से कह रहे थे बागेश्वर से हम आ रहे थे बोले ये आदमी जब बोलता है ऐसा लगता है इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है नहीं हमसे पूछो इसने कैसा दुखी कर रखा हमको तो मेरी वाइफ से कह रहे थे मैंने क्या कह रहे हैं तो गाड़ी में रही थी कि ये ऐसे ऐसे कह रहे थे तो इस तरह का वो रहता है और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मतलब बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ बट ये थोड़ा सा है मतलब कल भी मुझे जाना है अभी मैंने अभी अपनी वाइफ को नहीं बता रखा है अब मैं आज रात को सोच रहा हूँ बोलूँ <laughs> कैसे जाना है हाँ। तो वो काम की वजह से वो एथिक्स काम को लगे तो मेरे बड़े फॉलो हो जाते हैं या हो जाते हैं लेकिन पर्सनली मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ये पर्सनल कैसे सही होगा मेरे आज तक मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ इस कोर्ट को तो ये है आपसे मेरे को बहुत ही पॉजिटिव वाइब वाइबा और मैं जब आपका कंटेंट भी देखता हूँ तो आप हमेशा एक स्माइल के साथ बात करते हैं तो आपकी वो एक इमेज भी बन गई है और आपको लगता है कि आप जब बाहर जाते हैं ये लोगों से मिलते हैं तो आपको एक वो प्रेशर लगता है कि मुझे हाँ ये मेनटेन करके रखना है या आप किस तरह से देखते हैं इसको दर्द हो जाता है कि <laughs> अरे यार एक्चुअली क्या है मैं एक चीज सोचता हूँ जब हम कैमरे के सामने होते हैं या माइक पे होते हैं ना वहाँ हम कई बार हम होते हैं और कई बार हम जितने हजार लाख या जो लोग हमें देख रहे होते हैं हम उनमें से कोई एक होते हैं और हर व्यक्ति अपने आप आप को में ढूंढ रहा होता है उस वजह से हम वो नहीं रह सकते जो हम हैं चालीस चैपलिन का एक बड़ा अच्छा कोट है कि जब मेरे को रोने का मन करता है मैं बारिश में निकल जाता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को ना देख पाए क्योंकि इस जमाने में मेरे सिर्फ हंसने हंसाने की कीमत है यहाँ मेरे रोने की कोई कीमत नहीं तो आई थिंक ये मैंने कहीं पढ़ा था किताबें तो कम पढ़ी लोगों के कोर्ट पढ़ पढ़ के मैं <laughs> वो शायद मैं बहुत ही सीरियस हो जाता हूँ उन <laughs> चीज़ों को लेके तो वैसा ही कुछ है मैं अपनी पर्सनल जिंदगी बहुत <laughs> लोग करते हैं आई थिंक वो कार्ड कईयों का चल जाता है <laughs> वो वो अलग खेलते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है बट मैंने आज तक नहीं किया मैं ये सोचता हूँ मेरे घर में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है या क्योंकि आप एक स्टार्टअप चला रहे हो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लेकिन जब मैं कैमरे के सामने या उसमें आता हूँ मैं वो देने की कोशिश करता हूँ जिस चीज़ के लिए आदमी मेरे पास आ रहा है या मेरे को देख रहा है हाँ। मैं कई फेस्टिवल्स में मेलों में इधर उधर कई प्रोग्राम्स में जाता हूँ लोग आते हैं जिस उम्मीद के साथ में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अभी हल्द्वानी गया था मैं दो तीन महीने पहले जोहार महोत्सव करके हुआ था ये जो अपना मुनश्यारी वाली बेल्ट है वहाँ के जोहार कम्युनिटी के जो पूरी वैली है वहाँ के लोगों का एक फेस्टिवल होता है हल्द्वानी में सात आठ हज़ार की गैदरिंग थी मैं स्टेज पर चढ़ा स्टेज से जैसी उतरा वहाँ से करीब सौ मीटर पर गाड़ी खड़ी होगी एंड मुझे आधा घंटा लगा सौ मीटर पहुँचने में क्योंकि इतने लोग आ रहे थे मिल रहे थे फोटो खिंचा रहे थे बच्ची आई जितना मुझे समझ में आया हु या तो इलेवन ट्वेल्थ में होगी या फर्स्ट ईयर में होगी छोटी बच्ची थी उसने फोटो खिंचाई उसके बाद कहती है कि सर ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ मैंने बताओ कहती सरना मैं लाइफ में एक दिन ना ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि आप मुझे ना अपने ओवर रेडियो बुलाओगे तो मैंने कहा यार अच्छी बात है ऑल द बेस्ट है नहीं सर मैं सीरियस हूँ मैंने कहा नहीं नहीं मैं भी सीरियसली ही कह रहा हूँ बोले कि सर मुझे नहीं पता एक्जैक्टली exactly मैं क्या करूँगी पर लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करूंगी कि आप मुझे बुलाओगे और मेरा इंटरव्यू लोगे जब मैं ये चीजें सुनता हूँ इलेवन ट्वेल्थ या फर्स्ट ईयर के बच्चे मतलब पंद्रह से अट्ठारह साल के बच्चे जब ये बात कह रहे हैं तो कई बार एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आप शायद कुछ ऐसा कर रहे हो या कुछ ऐसा टच कर रहे हो कि छोटे बच्चे ये सोचते हैं कि लाइफ में अभी नहीं पता पंद्रह साल के बच्चे को क्या करेगा पर कुछ ऐसा करेंगे कि आप इंटरव्यू लोगे वाली बात तो कई बार क्या होता है उनके उन सपनों के खातर या वो जो उम्मीद कर रहे हैं उसकी वजह से जो ये स्माइलिंग फेस है वो बहुत जरूरी हो जाता बिल्कुर, है बिल्कुर। <laughs> मेरे वाइफ मेरे को कई बार टोंट मारती कहती है फेक है ये आदमी <laughs> ऐसे ना मेरे को कह रही है ये आदमी घर पे तो नहीं हंसता ऐसे ये कैमरे पे इतना कैसे हंस लेता है अरे मैंने कहा यार अब मैं कैसे बताऊँ? उसको तुम फेक कह लो <laughs> या उसको ये कहो कि वो सिचुएशन क्या है या वो चीज हाँ। अब घर पे तो आदमी कैसे ना मतलब नहीं हो पाता यार अब नॉर्मली बात करते हुए ठीक हरदम वो, एक, वो होता है। अब हर मेरे को इरफान साहब का ना इरफान हाँ जी बड़े कमाल के एक्टर भिल्कौर थे भिल्कौर। कोमल नहाटा बहुत अच्छे इंटरव्यूज लेते हैं वो एक बार कह रहे थे उनको तो आपको कैसी लंबी गाड़ी चाहिए नहीं यार बस पैर ना अटके वैसी कोई गाड़ी हो

तो आदमी जहां हंस दे उल्टा आदमी कहे तुम्हें तो ह्यूमर आ रहा है इसमें तो वो कई बार वैसा हो जाता है तो वो चीज है पर अगर आपके खुश रहने से तो चार लोग स्माइल कर सकते हैं तो यार कर लो स्माइल और क्या क्या बात क्या होता है <laughs> <laughs> मैं आपके एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें आपने कहा था कि जो आप जिंगल्स बोलते, बोलते हैं जो पोएम्स बोलते हैं अपने बात बताते हैं जिंगल्स और पोएम से उनसे आप बहुत सीखते हैं तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं यार वो एक्चुअली जो मैं देखता हूँ हाँ। मैं कोई राइटर वाइटर नहीं हूँ हाँ। ना मैं गायक हूँ बहुत लोग कहते हैं आप गाना मैंने कहा ऐसे बोलते बोलते चौदह पंद्रह साल रेडियो में हो गए तो थोड़ा बहुत अपने गले के हिसाब से गा लेते हैं हाँ। गायक भी नहीं हूँ और ना मैं राइटर हूँ मैं क्लेम भी नहीं करता होता क्या है मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो जो मुझे दिख जाता है मैं थोड़ा बहुत वो लिख लेता हूँ और जब मैं वो लिख लेता हूँ मैं लिखता वही हूँ जो मेरे मन में आता है और फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ एक और उदाहरण देता हूँ मैं नोएडा में था ग्यारहवें फ्लोर पे एक दिन रात को मैं दिल्ली में नौकरी करता था दिल्ली का नोएडा ही है okay. वैसे वो लेकिन वो दिल्ली बोलते हैं <laughs> तो वैसे तो नोएडा सेक्टर सौ में रहता था मैं ग्यारहवें फ्लोर पे वो टॉप फ्लोर था उस उसका टावर का <laughs> तो सामने दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था ऐसे लाइट जल रही थी लोगों के अपार्टमेंट्स में लेकिन कोई दिख नहीं रहा था और मैं बड़ा किसी वजह से डिस्टर्ब चल रहा था तो क्योंकि ऑफिस से आया वो जाम लग गया वहाँ पे फिर वो बड़ा ऐसा होकर करके बड़ा परेशान मैं अकेले ऐसी बैलकनी में बैठा हुआ था मैं गुड टाइम चल रहा था मेरा अपना खुद का अकेले का तो मैं ऐसे ही लिखते हुए मैंने कहा अरे कहाँ फंस गए यार यारे अच्छा खासा वो बागेश्वर में नदी थी सुबह सामने सूरज निकल रहा होता था पैदल कहीं भी चले जाओ घूमो फिरो शाम को आ जाओ बढ़िया चिल चल रहा था ये क्या मतलब ये तो मैंने ऐसे कुछ लिख दिया एक कि नदियाँ तेरे साथ बहके कहाँ चला यारे सोचता हूँ मुझे को ये जगन भाया रे कोयले चले फिर उन जुगनों के गाँव में मीठे मीठे पानी और अम्बिया की छाँव में ओ अम्मा मन मचला जाहे रे ओ अम्मा मेरा गलियाँ बुलाए मचला जाए, मचला जाए, गाँव बुलाए, 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 बुलाए रे फिर उस पर मैंने लिखा कि ये शहरों की भीड़ भाड़ से कभी बाहर निकल कर भी देखो यहाँ एक और जहाँ बसता है बादलों से गुजरता हुआ एक ख्वाहिशों भरा रास्ता है तो हाँ जब मैंने ये लिखा उसके आई थिंक एक तो मैंने बाद ही छोड़ चाड़ के मैं अभी गया। <laughs> तो वो जो जो होता है जो दिख रहा है वही लिख लेता हूं, जो लिख लेता लेता जो फिर मेरे को उसके पीछे लग जाता हूँ अभी मैंने लिख तो दिया है अब ये करना पड़ेगा गांव बुलाए रे गलियां बुलाए रे जुगनों के गांव में अंबिया की छाओं में जाना तो पड़ेगा और वो शायद वो हो भी जाता है जो मैं शुरुआत में भी कह रहा था तो ये मतलब था मेरा बहुत सुंदर मैं खो गया देर के लिए कुछ नहीं होती है हम बस अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं जो भी लिखते हैं बुरी लिखाई हम उसको कह सकते हैं जो हम जबरदस्ती कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कभी ऐसा प्रेशर लगता है कि मैं लिखूं तो लोगों को अच्छा लगे ना लगे एक और चीज में ना टाइम वाला आदमी नहीं हूँ मतलब नहीं। मैं चाहते हुए भी वो एक किसी का शेर है ना मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो है। उनकी पोयम है कि चले आओ पहाड़ों पर निमंत्रण दे रही हूँ मैं करके बड़ा वायरल हुआ वो उस चक्कर में तो उनके इतने फैंस बन गए उनने चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी से आवेदन डाल दिया कि भाई उन्होंने तो उसके आगे मुझे कुछ लाइने बोलनी थी और रिकॉर्डिंग होनी थी और मैंने लाइने नहीं लिखी हुई थी तब तक भी अब मैंने कहा बेटा आधे घंटे में पहुंचना है वहां बोलना है रिकॉर्डिंग होनी है हाँ। गाना बन रहा है हाँ। गाना पीछे का पूरा तैयार आगे का कुछ पता ही नहीं हाँ। मैंने उतनी सी देर में गाड़ी में मैं चला यहाँ से शिमला बाईपास के पास में एक स्टूडियो हमारे मित्र है रंजीत जी उनका आधे रास्ते में गाड़ी रोकी और ऐसे बैठा मैं और लिखना शुरू करा मैंने और लिख दिया और वो ऐसी लाइन्स है मैं अभी हिल यात्रा में जिस जिस स्कूल में गया हाँ। वहां सबने कहा वो वाली लाइने सुना दो आई थिंक मैंने जो कुछ भी आज तक लिखा है कभी प्लान करके नहीं हुँ। लिखा हुँ। दस मिनट दो मिनट पांच मिनट में जो आप कह रहे हैं ना आप लिखते वही हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं या आप लिखते वही हैं जो आप पढ़ते हैं अगर आपने लाखों शब्द पढ़े हुए हैं तो उसके इर्द गिर्द ही आप लिखेंगे मैं अपना एक्सपीरियंस लिखता हूं एक्चुअली तो इसलिए मेरे को सोचना नहीं पड़ता बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेता मैं वो मतलब आता है वो मेरे को अचानक से ही है एक्चुअली मैं कोशिश भी कर लूँ नहीं लिखा जाता नहीं। मेरे से तो ऐसा नहीं होता कि आज एक लाइन लिख दी कल दूसरी लाइन नहीं।, नहीं होता वो पाँच मिनट में लिखना होगा मैं उसी टाइम लिख दूँ ये हो जाता है मेरे साथ एक मैं आपका कोई इंटरव्यू देख रहा था उसमें आपने कहा था कि पहले हम फ्रीक्वेंसी सेट करते थे रेडियो चलाने के लिए अभी हम ऐप यूज कर रहे हैं तो ये आइडिया आपको किस तरह से आया कि एक ऐप बेस्ड रेडियो होना चाहिए यार क्या है एक्चुअली ना ये जमाना थोड़ा सा तो बदल गया है हाँ। कि बात वही है कि पुराने जमाने में हमारे दादा दादी जो है कबूतर हाँ। के गले में चिट्टी डाल के तरचते थे हाँ। अभी सीधे इंस्टा में हो जाता है बिल्कुल तो ये पापा की परियां और मम्मी के मगरमच्छों का जमाना है <laughs> तो अगर आपको इनसे कम्युनिकेट करना है तो इनकी भाषा तो में करना पड़ेगा तो 2015-16 में जब मैं जयपुर में था मैं तब हो ही गया था कि मैं वापस जाऊंगा कुछ करूंगा वर्ल्ड uh, वाइड उस दौरान जो है वेब रेडियो चलते थे वेबसाइट के थ्रू फ्रिक्वेंसी हाँ। uh, इंडिया में कुछ चीजें लेट आती हैं यहाँ बहुत लेट आई तो इसलिए कई शहरों में तो अभी भी उनको लगता है कि रेडियो ये वो वहाँ वो आउटडेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी दस पंद्रह साल पहले तो मैंने कहा यार बाहर में वेब रेडियो कैसे चलाएंगे क्योंकि कंप्यूटर चाहिए लैपटॉप चाहिए इतने तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे और गाँव में कैसे हर आदमी के पास थोड़ी होगा शहर में हो भी जाए तो तब से दिमाग में कुछ चल रहा था फिर जब ये पहला लॉकडाउन लगा मैंने लोगों का बिहेवियर देखा मैं थोड़ा सा नोटिस तो कर रहा था कि लोग जो है ना ये ऐप और इसकी तरफ पहले जैसे होता था एटीएम की लाइन में लगते थे धीरे धीरे वो बंद हो गया कि आप गूगल पे कर दो पेटीएम कर दो मतलब गोलगप्पे वाले के यहाँ भी वही हो जा रहा है पाँच रुपये भी है तो वो भी पेटीएम हो जा रहा है पहले तो छुट्टे के लिए लड़ाई होती थी तो एक तो उस लेवल तक ये बिहेवियर लोगों का चेंज हो गया था इंटरनेट और ऐप को लेकर दूसरा मैंने देखा लॉकडाउन के दौरान गाँव के ग्राम प्रधान जो स्कूल नहीं गए कभी वो वीडियो कॉलिंग पे जूम पे आके मीटिंग ले ले रहे हैं <laughs> मतलब मैं देख रहा था ना मैं पूरे स्टेट में कहाँ कौन क्या ले रहा है और बड़े उससे तो मैंने कहा यार अगर ये वीडियो कॉलिंग हो सकती है और इनको ये समझ में आ गया है तो ये ऐप भी डाउनलोड तो हो सकती है और अल्टीमेटली हो क्या रहा था मुझे लगातार लोग ये लिखते थे क्योंकि थोड़ा सा मेरा क्या था कि देहरादून में तो चलो मैं हूँ यहाँ के लोग तो सुनते थे पसंद करते थे इसके अलावा जो उत्तराखंड के गाँव में और उत्तराखंड के जो लोग डेली एन और बड़े शहरों में हैं यहाँ के वो सारे लोग जब वीडियोस देखते थे तो वो हमेशा लिखते थे कि हम रेडियो कैसे सुने hmm. क्योंकि वीडियो तो ठीक है दिन में एक आ गई या हफ्ते में एक आ गई hmm. तो वो बार बार मेरे को दिमाग में आता था यार इनको कैसे रेडियो सुनाए तो फिर समझ में आया कि यार ऐप से हो सकता है अगर ऐप पे हम किसी तरह रेडियो को ले आए hmm. तो ऐप आजकल तो इजी है डाउनलोड करना अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो फेसबुक कर सकते हो यूट्यूब भी ऐप भी है एक तरह से तो आप डाउनलोड कर सकते हो स्विगी जोमेटो कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो तो वहां से लगा कि कोशिश करते हैं हालांकि बहुत हाई होप्स नहीं रखी थी जहां तक पहुंच गए मैं तो ये सोच रहा था महीने में यार पाँच हजार डाउनलोड भी हो जाए साल में अगर पचास हजार भी हो जाए तो बहुत है क्योंकि आप पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हाई होप्स भी मैं अपना फेसबुक और यूट्यूब देख रहा था मैंने कहा इस पर इतने लाख हैं तो इसका टेन परसेंट कैलकुलेशन लगा रहा था मैं पर वो जो हम सोच रहे थे महीने में पांच हजार होंगे वो तो जिस दिन ऐप आई हमारी मैंने फेसबुक लाइव किया मैंने कहा वो टेस्ट पे आ गई ऐप एक बार डाउनलोड हजार डाउनलोड पहले दिन हो गए अरे बाप रे अगले बारह घंटे में अगेन पांच हजार मतलब 36 में, हमारे दस हजार डाउनलोड थे लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ गया जो लोग कह रहे थे अरे ऐप से रेडियो चल नहीं। नहीं। जाता तो हम नहीं चला लेते ऐसे कॉमेंटबाजी होती है और वो एक आध महीने में तीस हजार हो गए दो तीन महीने में पचास हजार हो गए छह महीने में एक लाख डाउनलोड्स हो गए तो जो हम सोच रहे थे दो साल में वो तो छह महीने में हो गया वहाँ तो वो हो गया मतलब ये <laughs> आपने अभी कहा कि जमाना बदल रहा है और बदलाव के साथ हमें भी बदलना चाहिए पर आपको लगता है कि कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए उसमें क्योंकि अभी आप देहरादून में डेवलपमेंट देख ही रहे हैं और पहाड़ में अभी जो हो रहा है जोशीमठ में और कई गाँव में ये चीज़ हो रही है तो आपको लगता है कि कुछ लिमिटेशन हमें रखनी चाहिए और जगह को देख के हमें बदलाव करने चाहिए यार इसमें ना जो मुझे सबसे ज़्यादा तीन लोग इसमें जिम्मेदार जी एक समाज हाँ। दूसरा जो हमारे लीडर्स है पॉलिटिकल हाँ। लीडर्स तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन ये सबकी जिम्मेदारी एक साथ है इसको मैं ऐसे समझाता हूँ मान लो आप देहरादून में भी देख लो हाँ। आदमी घर बनाता है छह फुट बाहर तक उसका जो है वो गाड़ी के लिए बिल्कुल अब छ यहां वाले ने बना दिया छह सामने वाले घर ने तो बारह फिट तो आप खा गए अब बीच में सड़क कितनी बची ये तो कोई सरकार या कोई लीडर आपसे नहीं कह रहा ऐसा करो आप अंदर की तरफ को भी तो बना सकते हो ना उससे लेन चौड़ी हो जाएगी आपकी भी गाड़ी लग जाएगी कोई और की भी निकल जाएगी गाड़ी निकल भी जाएगी है ना जगह ही नहीं सेम वहां हो रहा है आदमी देखता है कि यार यहाँ पे जगह थोड़ी सी मिल रही है नीचे से पिलर डालो ये ऊपर बना दो अब एक जगह है आप कभी गढ़वाल की तरफ इधर जाए तीन धारा बोलते हैं उसको वहां पे जितने खाने वाले ढाबे हैं वो पिलर्स पे खड़े हैं नदी की तरफ से एक फ्लोर पिलर

हमारे जितने शहर हैं जो नदी किनारे बसे हैं अंदाधुन कंस्ट्रक्शन और एक दिन में नहीं हुई है बनाते चले गए बनाते चले गए जब केदारनाथ आपदा आई उस वक्त भी जितने नदी किनारे जो होटल थे कैसे पलट गए गे माचिस के डिब्बों की तरह क्यों हुआ है कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये बेसिक नहीं पता चल रहा है यार ये नदी वगैरह पानी और आग ऐसी चीजें हैं जिनसे आप नहीं खेल सकते इनकी कोई श्योरिटी थोड़ी होती है कि आप इनको रोक लोगे या आपको बता के आएंगे आप कितनी ऐप डेवलप कर लो राइट की मौसम बता देगी ऐसा नहीं यार जब वो आना है आपकी ऐप हो सकता है उसी दिन ना चले उसी दिन नेटवर्क फेल हो जाए उसी दिन इंटरनेट काम ना करे उसी दिन आ, कोई प्रॉब्लम ऐप के अंदर आ जाए वो बता के नहीं आती हैं ये जो है ना अब जितना हो चुका है और ये सालों साल हुआ है बनते बनते यहां तक हम पहुंचे कम से कम अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए लोगों को भी देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को एक जो बड़ा इशू इसमें क्या है सीरियस इशू हमारी लीडरशिप और गवर्नेंस जो है ना दोनों के लिए ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली इन मुद्दों पे वोट नहीं आते इन, नहीं। ये मुद्दे वो नहीं हैं जबकि इन पे रोज बात होनी चाहिए एक बात बताइए आपके बॉर्डर एरियाज हैं आपके ग्लेशियर्स हैं अगर ये पिघलेंगे आप ही लोग तो इसकी चपेट में आओगे ना तो ये रोज हम इन पर बात नहीं करते ये शायद बड़े जिसको कहते हैं ना वो वनीला टॉक वाली चीजें नहीं है ग्लॉसी नहीं है ग्लैमर नहीं है ना कौन पर्यावरण के पीछे लगा रहे है, ऐसा सोचते हैं कई है लोग मैं कह रहा हूँ ना उनको अभी भी लग रहा होगा तीन सौ किलोमीटर दूर है ऋषिकेश वाले बहेंगे बहेंगे तो ये दिमाग में आ जाता है और ये हो गया है पीरियड ऑफ टाइम हम लोग बड़े ही वैसे हो गए सेल्फ सेंट्रिक टाइप के हम ये नहीं सोच रहे हैं मैं अभी स्कूल्स में गया मैं बच्चों से पूछ रहा था और ये पहाड़ की हालत बता रहा हूँ देहरादून तो चलो मैंने बच्चों से पूछा मैंने कहा कितने बच्चे खाना खाते हैं रोज़ वो कह रहे हैं ये कैसा सवाल है हाँ। तो <laughs> ऐसे घबराते हुए बोला हम खाते हैं मैंने कहा रोज़ खाते हो तीन बार बोले हाँ मैंने कहा सारे बच्चे बोले हाँ मैंने कहा कितने बच्चों के घर पे वो खाना अनाज उगाया जाता है एक एक करके हाथ नीचे दसी परसेंट रह गए तो मैंने कहा एक बात बताओ किसी दिन उस किसान ने सोच लिया नहीं उगा रहा भाई मैं तुम्हारे खाली अपने लिए उगा रहा हूं कुछ चीजों को हमने इतना ग्रांटेड ले रखा है सेम चीज एनवायरमेंट को लेके भी है कि एनवायरमेंट बचाएगा कोई और हम क्यों बचाएं मैं तो ये कहता हूँ परसों मेरी कहीं पर बात हो रही थी किसी से ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हर पहाड़ों पर आप मैगी देखते हो चिप्स देखते हो कोल्ड ड्रिंक देखते हो जब आप ये सेल करते हो ये नियम भी है लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट शायद इंटरफेयर नहीं करना चाहती किस वजह से मुझे नहीं पता वो खाने के बाद उन चिप्स के पैकेट और मैगी के उनके पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स का क्या होता है क्या ये उन कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए अरबों रुपए खरबों रुपए का टर्नओवर उन कंपनियों का है अरे यार दो गाड़ियां लगवा लो कितने हिल स्टेशन है इंडिया में चलो बाकी जगह नगर निगम कर लेगा ये हिल स्टेशनों में क्योंकि देखो पहाड़ तो सेंसिटिव है ना आपको सोचना तो पड़ेगा यार अगर आप इनकम कर रहे हो उस चीज़ से तो थोड़ा सा आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि यार हमारी वजह से एनवायरमेंट को ख़तरा ना हो कल को ये समाज ही नहीं बचेगा एनवायरमेंट ही नहीं बचेगा तुम अपना धंधा भी कैसे चलाओगे भाई बेचोगे किसको जब कोई इन पहाड़ों पर मैगी खाने आएगा ही नहीं तो ये नहीं सोचते हैं हाँ जी वो तो है आपकी अभी तक जो भी जर्नी रही है बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में आपको कभी एक प्राइड वाली फीलिंग आई है कि हाँ मैं अभी यहाँ पहुँच गया हूँ वो आई है और अगर आई हो तो आपने उससे कैसे डील किया अभी तक तो नहीं आई आ, हो okay, okay. मतलब अभी आ, तो ठीक है यार नॉर्मल है मतलब मुझे लगता है कि इतना तो मिल ही जाता है मेरे को मेरे फील्ड में मिला है और मतलब जितना मैं शायद अब डिजर्व करता हूँ नहीं करता हूँ वो नहीं पता लेकिन मिला है मैं उससे okay, इनकार भी नहीं करता लोगों ने इतना प्यार दिया है और काम चल रहे हैं काम हो रहे हैं वो है ना एक मेरी आप की कृपा से सब काम हो रहे हैं <laughs> तो वहां तक तो ठीक है लेकिन अभी बहुत अचीव करना है यार अचीव और मैं स्पेशली बता रहा हूँ मेरी जरूरतें ना व्यक्तिगत जरूरतें पर्सनल मेरी बहुत ज्यादा नहीं है डेफिनेटली मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं फकीर बन जाना चाहता हूँ या मैं सड़क पर बैठे रहना चाहता हूँ हर आदमी अपने लिए अच्छा सोचता है मैं भी सोचता हूँ व्यक्तिगत तौर पर जितनी मेरी जरूरतें हैं अच्छा घर हो अच्छी गाड़ी हो बच्चे हो फैमिली अच्छे से चले आप घूमने फिरने जाओ अच्छा और ये सिर्फ कहने के लिए कोटेबल कोर्ट वाइज नहीं कह रहा हूँ लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा ये मेरे नेचुरली निकलता है मैं आज भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जब कमर्शियली काम करता हूँ हमारे रेडियो स्टेशन वाइज मैं उनको जो वो मुझे वैल्यू देते मैं मतलब जो वो पैसा दे रहे होते हैं ना उसके डबल ही डिलीवर कर देता हूँ सिर्फ इसलिए कि यार पहाड़ में अच्छा हो रहा है अपने उत्तराखंड के लिए ठीक हो रहा है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अदरवाइज क्या होता है जैसे मान लो कोई रेडियो स्टेशन हो अखबार हो उजा सदा क्या करते हैं ऐड लगा दिया बस ठीक हो गया ना कमर्शियल यही तो डील थी हम जा जाके स्टोरीज कवर कर रहे होते हैं इतने लोगों की खुद अपना क्रू ले जाके पहाड़ों में जाते हैं अपनी कमर तोड़ते हैं वहां वहां जाते हैं मतलब आज भी मैं देहरादून से रेडियो जरूर चलाता हूँ थर्टी डेज में से मोर देन टेन डेज में पहाड़ों पे रहता हूँ किस किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट पे मैं इस राज्य का हर जिला घुमा हूँ हर ब्लॉक पे लगभग लगभग मैं गया हूँ हर जगह हमारे सुनने वाले लोग हैं हर जगह के लोगों के साथ हमने काम किया तो ये चीजें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उस कमर्शियल एस्पेक्ट और एंगल के बियॉन्ड सोच रहे हैं मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि मेरी व्यक्तिगत जरूरतें बहुत कम हैं ऑब्वियसली एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए आप बिजनेस करोगे बीस आदमी आपके यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग सबको अपना घर चलाना है उनके परिवार वाले भी चाहते हैं कि उनकी भी ग्रोथ हो तो ग्रोथ के लिए पैसे तो चाहिए होंगे लेकिन वो कैसे एक सोशली वो चीज़ हो पाए मतलब मैं पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता मैं काम ऐसा करूं कि उससे ठीक पैसे आ जाए और मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ तो अभी वो लेवल अचीव करना है अभी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ये है मैं आपके एक आर्टिकल में आपकी एक लाइन पढ़ी थी कि आर इज a good rj is not someone who is a good speaker but hmm. someone who is a good listener bol diya hoga yaar aise kahi nahi actually ha <laughs> uh, वो है हाँ। मैं <laughs> कल भी वो जोशी मठ वाली वीडियो पे भी कह रहा था और hmm. वैसे भी मेरे को ऐसा मैंने दलाई लामा का एक कोट पढ़ा hmm. था एक्चुअली उन्होंने कहीं कहा था कि आपके पास एक मुंह और दो कान है फॉलो दी hmm. रेशियो hmm. तो लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि आप जितना बोलें उसका डबल देखें और उसका डबल सुनें तो आरजेस प्राइमरली क्योंकि उनका बोलने का काम है तो तो बोलेंगे ही हाँ। लेकिन ये जो रेडियो का फील्ड है या मुझे लगता है रेडियो से ज्यादा मान लो आज हमें पॉडकास्ट भी कर रहे हैं हाँ। ये एक फील्ड ऐसा है ना ये टू वे कम्युनिकेशन का फील्ड है तो बहुत जरूरी है सुना जाना कि क्या हो रहा है लोग यहीं पे कई बार गलती कर देते हैं उनको लगता है कि अब मेरा बोलने का वक्त आ गया तो अब मैं ही बोलूंगा बस हाँ। खूब बोलूंगा ऐसा तो बोलिए आप खूब लेकिन खूब सुनिए भी और जब आप खूब सारा सुनेंगे ना तो उसमें से आप निकाल पाएंगे कि यार बोलना कितना है इसमें से सब कुछ तो बोलने लायक नहीं होता है ना तो मेरा वही कहने का मतलब था कि फॉलो द रेशियो वाली बात है कि जितना आप बोलते हैं उसका डबल सुने या आपके पास जितना वो है उसका आधा ही बोलें हर चीज़ बोलने की नहीं होती हर जगह पे बोलने की नहीं होती बिल्कुल सही जगह पे कब कहाँ कौन सी बात कही जाए ये अदा आती है तो हर बात सुनी जाती है एक <laughs> शेर <वार>। है तो <laughs> वही <वो> है <laughs> बिल्कुल और आजकल लोगों का एक वो भी बन गया ना ना किसी ग्रुप में कूल बनने के लिए बस हमें ज्ञान देना है कहीं कुछ सुन लिया बस वो देना है सुनना नहीं चाहते बस अपने ओपिनियन बना और वो सेट हो गए दिमाग में उसके अलावा कुछ सुनना नहीं है बस ज्ञान देते जाना है लेने वो वो ये थोड़ा सा व्हाट्सएप की वजह से भी हाँ, हुआ जो वोड़ी वोड़ी। स्कूल के मॉनिटर नहीं बन पाए हाँ। ग्रुप के एडमिन बन गए तो इस चक्कर में क्या हो गया उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो निकलते रहती है कुछ की व्हाट्सएप पे कुछ की वैसे ग्रुपों में निकल जाती है कि अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे टाइप्स ये है वो चीज़ आई थिंक हम एक पॉडकास्ट के एंड में ही आ गए तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ बस हाउस लाइफ और अभी आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं अभी आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लाइफ में आपके आप सपनों को और लाइफ को इस स्टेज में किस तरह से देखते हैं यार आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अच्छा तो ये है कि अगर आपको चैलेंजेस पसंद नहीं है तो सर्दी भी हो ही रही है घर में आग तापिए अंदर बैठे रहिए ही मत निकलिए एक, एक महीने तक निकलिए ही मत है ना तो फिर तो कोई चैलेंज भी नहीं आएगा लाइफ लाएग में बिल्कुण, आपके बिल्कुण। अब आप बाहर निकल गए तो ठंड भी लगेगी है ना आपको कम्यूटिंग के लिए भी वो होगा ट्रैफिक में भी फंसोगे तो लाइफ भी ऐसी है जब आप कुछ करने चलते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते ही आते हैं अभी अगर वैसे कहूँ जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था प्रोफेशनली थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो पर्सनली हिल जाता है कुछ ना कुछ क्योंकि आप समय नहीं दे पाते हो और ये जो ऑन्टरप्रनरशिप की और स्टार्टअप की जो जर्नी है ये शुरुआत में तो बड़ा टाइम टेकिंग है और अगर आप जिम्मेदार हैं जैसे एक समाज में जिम्मेदार नागरिक होता है ना उसको हर चीज में दुखी मिल रहा होता है क्योंकि वो इस बात से भी दुखी है कि यार ये स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जल रही नहीं। नहीं। वो इस बात से भी दुखी यार ये ट्रैफिक क्यों हो गया वो इस बात से भी दुखी है यार ये जानवरों को खाना कैसे अच्छा जिसको कोई नहीं पड़ी है तो वो सुखी है वो चिल चल रहा है तो सेम होता है मुझे लगता है स्टार्टअप की जर्नी में जैसे मैं भी देखता हूँ अपने ऑफिस में भी हम मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं डेफिनेटली डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे लोग उन चीजों को हैंडल कर रहे हैं लेकिन एक थोड़ी सी फिक्र होती है और जहां आपको फिक्र होती है तो आपका दिमाग थोड़ा सा उस डेक्शन में होता है तो अभी तो साबित नहीं करना है किसी को लेकिन यह है कि क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो कुछ काम कर रहे हो कुछ आप बेहतर करना चाहते हो आ, सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य हो तो उसके शॉर्टकट्स बहुत हैं आप बहुत इजीली कर सकते हो लेकिन जब आप सोसाइटी ड्रिवन चीज़ें करना चाहते हो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जहाँ से मैं आता हूँ मैं आता हूँ से मेरा मतलब है कोई व्यक्ति कहीं से भी आता हो कि, किसी जगह से आता हो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि यार मैं आगे बढ़ जाऊँ मैं बहुत सफल हो गया राइट और मेरा समाज वहीं रह गया वो पीछे ही रह गया तो मेरी उस सफलता का कोई फ़ायदा नहीं है एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ कि जब आप सफल होते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं ना किसके साथ करोगे अकेले उसमें कोई मजा है क्या नहीं मजा है ना आप त्योहार भी मनाते हो तो चार लोग होते तो अच्छा, अच्छा ही लगता है ना आप बात भी करते हो चार लोगों से तो अच्छा ही लगता हुँ। हुँ। है ना तो सेम अगर आप लाइफ में सफल हो रहे हो तो आपका समाज कहीं वहीं पीछे रह गया आप बहुत आगे निकल गए तो उसका कोई फायदा नहीं है तो सेम हम रेडियो वाइज क्योंकि हमारी थॉट थोड़ी सी इस तरह की है इसलिए हमें डिफिकल्टीज भी ज्यादा आती हैं क्योंकि हम सोचते हैं सबको साथ लेके चलो यार और जब आप सबको साथ लेके चल रहे हो तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है लेकिन हम ये सोचते हैं क्योंकि आपने ये रास्ता चुना है तो इस पर चलना तो आपको खुद ही और आपने ये इनिशिएटिव लिया है आप अगर वो लीडरशिप की भावना सोच रहे हो तो सामने तो आप ही को खड़ा होना पड़ेगा भाई किसी और को आप नहीं कर सकते तो इसलिए चैलेंजेस जो भी हैं ठीक हैं वो निकल जाएंगे वो मौसम की तरह होते हैं वो बदलते रहते हैं कभी पतझड़ आता है कभी उसके बाद सावन आ जाता है कभी बारिश आ जाती है कभी बर्फ भी अच्छी लगती है कभी छोटी रातें भी अच्छी लगती हैं कभी लंबी रातें भी सुकून देती हैं कभी तारे आते हैं कभी चांद आता है कभी बादल आ जाता है तो एक मौसम की तरह है तो वो फेस निकल जाएगा करते करते दो साल ऑलमोस्ट हमको हो जाएंगे अभी तीन फरवरी को रेडियो को लॉन्च हुए तो दो साल पहले अगर हम कदम नहीं बढ़ाते आज यहाँ तक नहीं पहुँचे होते आज यहाँ बैठ के इस बारे में बात नहीं कर रहे होते ओहो रेडियो जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर तो कुछ ही नहीं होता तो जब यहाँ तक भी आ गए हैं तो सोचते हैं कि आगे भी चले ही जाएंगे तो चलते रहो वो सांप सीढ़ी का खेल है जीवन वो लूडो खेलते थे ना मैं उदाहरण देता हूँ उसके किनारे लिखा रहता था तो वो बाद में समझ आया पहले नहीं आता था कि जब आप ऐसे ऊपर जाते हो नाइनटी पे वो सांप खा लेता है और वो नीचे कहीं आठ या नौ पे ले आता है फिर वापस खेलते हो वो एक सीढ़ी आती है आपको बीच में कहीं ले आती है तो उसके बोर्ड के चारों तरफ लिखा रहता था रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी शान अब तुम कह रहे हो कि ये कहां लिखा था मैं तो नहीं देखा। <laughs> क्योंकि तुमने उस देखा। मैंने देखा था <laughs> तो मैं सोच था कि ये क्यों लिखा रहता होगा तो मेरा थोड़ा ना जैसे मैं <laughs> बार बार कह रहा था मेरे किताबों में कम मन लगता है मैं यही सब देखता रहता था तो आप समझ में आता है कि लाइफ यही है कि कई बार नाइनटी पे आके सांप डस सकता है और वापस आपको फर्स्ट रो में ला सकता है लेकिन फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो सीडी वेट कर रही है 99 पे नहीं पहुँचाएगी लेकिन वो तेरह चौदह से आपको 24 25 पे पहुँचा देगी तो लाइफ वही है रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी शान <laughs> क्या बात है सर आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया अच्छा? ये पॉडकास्ट भी भी बहुत मोटिवेटिंग रहा रहा है आई आई एम श्योर के लिए भी ऐसा ही रहा होगा मैं, भारी हो जाए नहीं ने ने सर, मैं बहुत कुछ सीखा अभी मतलब मेरे को दोबारा जरूर देखना पड़ेगा पॉडकास्ट बट हाँ मेरे लिए बहुत ज्यादा इनफॉर्मेटिव रहा है बहुत कुछ सीखा सीखाऊ मैं अभी अभी आपसे आपके लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा नहीं अच्छा है यार रोज हम वैसे मतलब लोगों से बात कर रहे होते हैं कई बार वो होता है ना कि हमारी दिल की भी सुन लो वाले तो ऐसे सेशंस मेरे को वाकई में अच्छे लगते हैं और आपका चैनल नया है मैं उसके कुछ वीडियोस मैंने देखे और जिस तरह से आप लोग ऑपरेट कर रहे हो बहुत ही अच्छा है और जब मैं यहाँ पे आया इसीलिए जब टीम से बात हो रही थी हमने कहा कि यार करते हैं क्योंकि कुछ नई बातें हो जाएंगी कुछ अंदर की चीज़ें निकल जाएंगी और वो निकलना ज़रूरी है वो निकलेंगी तो तब कुछ नई चीज़ें कर पाएंगे अब किसी और के यहाँ जाएंगे तो ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो बता चुके हो आप कुछ और बताओगे ना लेकिन अंदर ही रह जाएंगी तो क्या होगा कुछ नया भी नहीं कर पाओगे कुछ नया भी नहीं बता पाओगे तो इसलिए थाट्स जो हैं उनका एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है अंदर से बाहर निकलना जरूरी है और आके अच्छा लगा बढ़िया हमारी गुड विशेज हैं जहाँ आप हो कभी हम भी वहीं थे बिल्कुल चार पाँच साल पहले जब उत्तर का उत्तर यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था मैं ऐसे ही इंटरव्यूज करता था लोगों के पास जाके या बुलाते थे जो भी करते थे वो जर्नी बढ़ गई आगे वहीं से बहुत सारी हिम्मत मिल गई तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम और तुम्हारी टीम इसी तरह आगे बढ़े so much, बढ़िया sir. करते रहे और चार पांच साल बाद तुम भी गो हाँ यार उस दिन कहा था आपने पांच साल हो गए थे <laughs> तो यही है सब आगे बढ़ो और क्या है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गुड यू थैंक यू